Hello class. How are you all doing? I hope everyone is healthy. Everyone is keeping well. In the last class, what we did was we completed quite a number of topics, right? Which were they? Does anyone remember? We completed with the drainage system and specifically the peninsular rivers that were left from the earlier class. Anna? Right?

एंड वेम्बेनाद कोल विच वॉज इन केरला राइट दूसरे साइड में छिलका चिल्का एंड भितर कर्णिका ये कहां पे है ये उड़ीसा में राइट right? फिर लोकतक इन मणिपुर अगेन वुलर एंड दल लेक इन कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर नाउ अ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट right? सांबर लेक इन राजस्थान नल सरोवर इन गुजरात ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था इसके अलावा भी हैं जैसे रोपर जो है रोपर वेटलैंड हरिका वेटलैंड ये सब पंजाब के थे राइट वी कंप्लीटेड विथ वॉट लेक्स रिवर्स रिवर पॉल्यूशन ये सारी चीजों के बाद वी स्टार्टेड विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम एंड वॉज वेदर एंड क्लाइमेट वेदर और क्लाइमेट के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसियशन क्या था विच वॉज द लॉन्ग टर्म विच वॉज द शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड वो शॉर्ट टर्म कितना है लॉन्ग टर्म कितने को हम लोग काउंट करते हैं यह भी आपको याद रखर वॉज अटर्म फिनोमिना राइट इसमें चेंजेस आ सकते हैं जैसे अभी आउटसाइड देर इज अट ऑफ जिसको कहिएगा हाईर टेम्परेचर और दर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ट से फॉर एग्जाम्पल राइट या वॉर्म वेदर है ना इसी में दोपहर में यहीं पर बारिश होने लग जाए या फिर थोड़ी सी ठंडक आ जाए प्लेजेंट वेदर शाम को बारिश हो जाए तो वील से इट्स रेनी वेदर राइट बट क्लाइमेट अभी यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है तो सिर्फ एग्जाम्पल अगर हम जैसे हम यहाँ पे दिल्ली से पढ़ा रहे हैं आपको तो डेली में आपको किस तरह का यहाँ पे कंडीशन मिल रहा है

इट डिस्क्राइब्स द एवरेज वेदर कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ऑल गुड नेक्स्ट वी वेंट इन टू समली इंपॉर्टेंट फिनम अब यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप की यू रियली अंडरस्टूड ऑल दीज एस्पेक्ट एक तरफ है फैक्टर्स दैट एफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस स्पेसिफिकली क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस दूसरी तरफ है वॉट आर द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस राइट ये दो अलग अलग चीजें हैं एंड आई होप कि इफ यू आर एबल टू सी तो आपको ना यहां पे दिखते रहना चाहिए कि वॉट इज इट आपको प्रॉपरली इज इट विजिबल कैन आई गेट अ येस yes और अ नो no? कोई यहां पे ओके नो इश्यूज आप लोग बस अगर कभी दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा आपके इससे जवाब से ऐसा लग रहा है कि एवरी वन इज हैप्पी विथ इट राइट ओके फैक्टर्स में द मोस्ट थिंग लैटिट्यूड। नीचे में इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक क्या था वट वॉज इट विच जोन इज इट कॉल्ड ये पूछ रहे हैं अगर याद आ सकता है टॉरिड जोन राइट देन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल

जितना आप सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस से दूर रहते हैं उतना एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आपको देखने के लिए मिलता है राइट इसीलिए डेजर्ट्स में 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 सुबह में या दिन में हो सकता है पचास डिग्री हो और रात में हो सकता है बहुत ठंडक हो लाइक लिटरली टेन के नीचे चली जाती है एंड कई जगहों पर तो प्रॉपरली फ्रीजिंग टेम्परेचर भी आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेशली इन सम एरियाज जहां पे इस तरह का जो एक्सट्रीम्स है वो बहुत बड़े स्केल पे आपको देखने के लिए मिलेगा तो कुछ ऐसे जगह हैं वर्ल्ड में जहां पे आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलते हैं एंड वहां पे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है राइट ओशियनिक है हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया था कि कैसे जो है ये सारे जो करेंट्स हैं कौन से जो भी इक्वेटर से टच होकर आ रहे थे इट देवियर वार्म करेंट्स तो इधर से टच होकर के ऐसे घूमे है ना साउथ इक्वेटोरियल करंट से टच होके ब्राजीलियन करंट आया वार्म जैसे ही उसने पोल्स को टच किया व्हाट हैपेंड वाज इट बिकेम कोल्डर करंट और फिर वो जब घूमा तो बेंगुला करंट से वो कोल्ड वोट बेंगुला current, current बन के निकला। इसी तरह का पूरे के पूरे आपको ऊपर में भी देखने के लिए मिलेगा जो भी इक्वेटर से टच होके आ रहा है वो वार्म करंट है और उसके बाद जो आपको आ, ये पोल से से की तरफ टच होके आ रहे हैं वो जनरली आपको कोल्ड करंट देखते हैं इसी में आप ये देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग गल्फ स्ट्रीम जाकर के नॉर्वेजियन करंट और ये जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है ये जाकर के आपके नॉर्दर्न यूरोप के पार्ट्स को क्या करता है काफी हद तक गर्म कर देता है इतना एटलीस्ट गर्म कर देता है कि आपको वहां पे ऑल ईयर पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसी जगह पे देखिए यहां पे ना दिस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है ब्लैक सी में अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ठीक है तो ऐसे भी आपके लिए एक तरीके से न्यूज में आने वाली चीज है यहाँ पे इज ओनली वन पोर्ट दैट इज ऑल ईयर राउंड एक्सेसिबल नहीं तो फ्रीज हो जाती यहाँ पे आपको ये जो रॉटर डैम पोर्ट और ये सब देखने के लिए मिलेगा वहां पे चौबीसों घंटे जो है मतलब बारह महीने आपको चलते रहता है चौबीसों घंटे काम करता है सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉट की करंट्स के कारण किस तरीके से क्लाइमेट्स जो है अफेक्ट होते राइट ओके नेक्स्ट रिलीफ ओरिएंटेशन, वेरी सिंपल, आपको जो है प्लेटूज, प्लेन्स और माउंटेन्स uh, में अलग अलग तरह के आपको क्लाइमेटिक uh, कंडीशन का फर्क आना दिखता है डायरेक्शन ऑफ द प्लानिटरी विंडस अगेन ये वाला याद है ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज पोलर ईस्टर्लीज क्या हो रहा है कि जहां पे अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वहां पे आपको लो प्रेशर बेल्ट मिल रहा है क्यों लो प्रेशर बेल्ट मिल रहा था क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है जहां गर्मी होती है वहां हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है एक्सपैंड करती है पानी को ज्यादा सूखती है और क्या होता है कि खूब सारा बारिश कर रही होती है है ना तो जहां पे भी ज्यादा गर्म होगा वहां पे लो प्रेशर बनेगा बिकॉज हवा जो है ऊपर की ओर उठ जाएगी तो इसके कारण जैसे ही लो प्रेशर बनेगा तो दोनों साइड से वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है ट्रेड विंड्स जो है कोलाइड करते हैं कहां पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के बीच के एरिया कन्वर्जेंस क्यों क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से आने वाली ट्रेड ट्रेडविंड कन्वर्ज कर रही है जोन तो समझ में आई गया तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज इट हैपनिंग बिकॉज यहाँ लो प्रेशर बन रहा है लो प्रेशर क्यों बन रहा है क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी हो रही है तो हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जा रही है तो वहां पे आपको एक जगह मतलब एरिया ऐसा बन रहा है जहां पे दूसरी हवाओं को आने का मौका मिल रहा है ये ऊपर जाती है हाई प्रेशर बेल्ट बना, बना रहा है कहां पे सब ट्रॉपिकल हाई में नाम सही समझ में आ रहा है सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के जस्ट ऊपर एंड हाई क्यों क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है हाई प्रेशर के बेल्ट क्यों है बिकॉज इसके रिलेटिव में दैट इज अ कोल्डर एरिया तो जो आपको जो साइकिल अगर आपको याद हो ये वाला डू यू रिमेम्बर दिस साइकिल ये ये देखिए दिस पर्टिकुलर साइकिल अगर आपको याद हो है ना जहां पे भी कोल्ड होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा जहां पे भी हॉट होगा वहां लो प्रेशर होगा सिंपल तो जैसे ही इसमें हाई प्रेशर आया तो वो क्या करेगा आपको याद है उस जो हम लोग उसमें से देखे थे कि अगर किसी भी जगह पे आपने पानी खूब तेजी में एक जगह पे ही उसको डालने की कोशिश की वो दोनों डायरेक्शन में भागेगा है कि नहीं वो दोनों डायरेक्शन में भागा उससे क्या हुआ ये देखिए दोनों डायरेक्शन में भागा यहां पे इस साइड हुआ एक दूसरा उस साइड गया ठीक है यहां पर हाई प्रेशर था ऊपर में लो प्रेशर बना ऊपर में हाई इसका नाम है पोलर हाई हाई प्रेशर और पोलर क्यों क्योंकि पोल्स पे है फिर सब पोलर लो ऑफकोर्स पोलर के नीचे वाला पोर्शन तो सब पोलर लो उसके नीचे क्या सब ट्रॉपिकल हाई बिकॉज अगेन ये हाई प्रेशर बेल्ट है एंड देन आई टी सीज इट दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वट वॉज इट इट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू वॉट कि ये लो प्रेशर बेल्ट बनाता है सिंपल है ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज है पूरे के पूरे, पूरे क्लाइमेटिक कंडीशन का और आई होप बस आप ये समझ लेना कि जहां गर्म होगा रिलेटिव टू द अदर प्लेस ऑफकोर्स आस पास की चीजों से ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जैसे आप इंडिया में इंडिया में थर्टी डिग्री एंड जनरली स्पीकिंग अगर हम से फॉर एग्जाम्पल कहें नॉर्थ इंडिया में है ना क्योंकि साउथ इंडिया में अगेन वो डिफरेंस आता है बट नॉर्थ इंडिया में आपको जनरली स्पीकिंग थर्टी डिग्री इज अ प्लेजेंट टेम्परेचर राइट इज अ रिलेटिवली प्लेजेंट टेम्परेचर हमारे यहां पे हॉट किसको कहते हैं

किस तरीके से अलग अलग जगहों का रिलेटिव रिलेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट बहुत ज्यादा मैटर करता है है ना ओके नेक्स्ट व्हाट वाज वाज इट लास्ट किस तरीके से आपको एक फैक्टर करेगा कि देखिए अगर नॉर्दर्न एमोस्फेयर में अभी समर चल रहा है राइट तो एक समर का एक ना बैंड ऑफ टेम्परेचर होता है आपको जनरली स्पीकिंग हम हम लोग के समर्स में सेफ एग्जांपल आपको बीस से नीचे का टेम्परेचर नहीं देखने के लिए मिलेगा जनरली स्पीकिंग राइट उसी तरफ आपको ठंड में आपको फोर्टी के ऊपर का टेम्परेचर जनरली स्पीकिंग नहीं देखने के लिए मिलता है तो सीजन है किस चीज से डिसाइड हो रहे रिवोल्यूशन है ना और सन का जो रे है जिस हेमिस्फेयर पे उस समय ज्यादा पड़ेगा उसके कारण आपको सीजन बदल रहे इसीलिए आपको साउद हेमिसफेयर में क्या मिलता है क्रिसमस के टाइम में आपको किस तरह का सीजन मिलता है सदर एमिस में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस मंथ में मनाया जाता है समर्स में राइट right? उनका वो समय समर चल रहा होता है इसीलिए अभी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए जाएगी तो वो उनके समर्स में उनको टूर कर रही है हमारे यहाँ विंटर सीजन होगा दिसंबर एकदम जिसको कहिएगा बट उनके यहाँ इट विल बी पीक समर एंड दैट इज वाई वहां पे जो है ना जैसे अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एट ऑल तो आप जानते होंगे कि इट इज अ समर स्पोर्ट थे उसके अलावा फिर वहां पे लोग जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल खेलते हैं फुटी जिसको कहा जाता है तो दैट इज द डिफरेंस है ना ओके okay, सीजन अब इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आई एम रिवाइजिंग इट अगेन बिकॉज ना अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा आई डोंट थिंक तुम्हें क्लाइमेट के किसी भी क्वेश्चन में कभी दिक्कत आ सकती है And I am really, like, hopeful कि एक बार में ना समझ में आए दो तीसरी बार सुन लेना है बट तो रिविजन में भी आपको इतना जरूर मिल जाएगा कि आपको क्लियर रहे हाँ आप जितनी बार इस चीज को अपने और हम से हमारे से सुनने के बाद आपको खुद को समझाना है समझ लीजिए कि आप अपने किसी छोटी भाई बहन को ना वही सेम चीज अच्छे से, से बता रहे राइट ओके पहला चीज क्या था एटमोस्फेरिक टेम्परेचर तापमान सिंपल सी चीज है इसमें कोई इशू नहीं है हम लोग सब जानते हैं सेल्सियस और फॉरन में हम लोग जो चेक करते हैं राइट उसके बाद था प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं तो रेन स्नो स्लीट हेल कौन कौन से हैं लिख दे रेन स्नो स्लीट हेली। है ना? रेन बारिश की बूंदे स्नो बर्फ स्लीट आपको ना आइस के ऐसे जो है ना छोटे छोटे शीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड हेल आपको ओले जो पड़ते हैं ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है जो कि एटमोस्फेयर से वापस अर्थ की तरफ आते हैं अगर आप लोग को साइकिल याद हो यू नो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आज तक जितना भी पानी अर्थ में रहा है या आज आपको जो देखने के लिए मिलता है वो उतना ही शुरू से था कोई नया पानी नहीं आया ऑल द वॉटर दैट यू सी टूडे इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ चाहे वो एटमोस्फेयर में हो चाहे वो हाइड्रोस्फेयर में हो लिथोस्फेयर में हो जहां पे भी ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट यू सी हैज ऑलवेज बीन देयर इन ऑन अर्थ और वो बस साइकिल में ना अपने आप को वो रोटेट करता रहता है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नो न्यू ऑन अर्थ कहीं से कोई नया पानी नहीं आ रहा है चाहे वो जो भी हो ग्लेशियर का पानी हो आपको समुद्र का पानी हो नदियां हैं लेक्स हैं जो भी हैं इट इज ऑल देर इज नया पानी अभी तक हम लोगों ने नहीं ईजाद किया राइट right? और ये इस चीज के इंपॉर्टेंस को भी बताता है कि हाउ डेलिकेट दिस इको सिस्टम इज फॉर ह्यूमंस अर्थ रहेगा है ना अर्थ ने बहुत सारे अलग अलग जो है अपने एराज देखे हैं अपने टाइम में बहुत माइटी माइटी एनिमल्स आए और चले गए एक्सटिंक्ट होके अर्थ वहीं का वही है. हमारे ऊपर है कि हम रहेंगे या नहीं सो इट्स अ वेरी इंट्रेंसिकली ऑलमोस्ट कहिएगा ना कि सेल्फिश ग्रीडी इंटरेस्ट ऑफ आवर्स कि हम इनवामेंट को प्रोटेक्ट कर पाए बिकॉज ऑल द वॉटर दैट इज ये इन्हीं तरीके से आपको जो है रोटेट होता रहा है प्रेसिपिटेशन पे आते हैं देर इज अ वेरी ग्रेट कॉमेडियन एंड फिलासफर सोशल फिलासफर अगर कभी हो तो YouTube में डालिएगा जॉर्ज कार्लिन जी ई ओ जी आर जी सी ए आर एल आई N, जॉर्ज कार्लिन उनकी एक आ, कहीं पे कॉमेडी बिट था जिसमें ये उन्होंने कहा था कि अर्थ इज अ माइटी फिनोमेना राइट वो कितने सारी चीजों को आकर के देखा है और उसने जो है झेला हुआ है अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें हुई हैं यहाँ पे तो अर्थ विल सरवाइव है ना वी विल नॉट इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कीप इट हैबिटेबल फॉर ह्यूमन्स ये सारी जितनी भी जो है ना ये ये सब कहने के लिए बहुत जो है ना एल्ट्रोइिक बहुत ही प्रिंसिपल चीज लगती है बट इट इज फंडामेंटली अबाउट ह्यूमन सर्वाइवल एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जितने स्पीशीज को हम बचा पाए बट फंडामेंटली अगर कहिए तो वहाँ पे सारा इंटरेस्ट जो है कि भाई ह्यूमन स्पीशीज एटलीस्ट जब तक हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट नहीं मिल जाता है अर्थ पे जिंदा रह पाए ठीक है तो एनवॉमेंटलिज्म को ना कभी भी जो है प्रिंसिपल और ये सब दूसरे आ, स्पेक्टिव से देखने के बजाय आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि भाई हम जिंदा रह जाए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो जिंदा रहे ठीक है anyway, एनी अब देखते हैं नेक्स्ट हाँ तो ये जो प्रेसिपिटेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना ये क्या है कि सिर्फ एग्जाम्पल आपने देखा कि हवा ऊपर गया पानी को एब्सॉर्ब किया क्लाउड बना उस क्लाउड से अलग अलग फॉर्म में आपको क्या होंगे ये पानी नीचे आती कहीं पे बारिश होगी जैसे वेस्टर्न घाट्स में चेरापूंजी मोहसिन राम यहाँ पे आपको बारिश होकर के नीचे गिर जाती है उसके बाद क्या होगा स्नो होता है तो आपको कश्मीरी हिमालया में ऊपर के रीजन में आपको स्नो देखने के लिए मिलेगा गुलमर्ग में आपको स्नोफॉल होता है राइट ये जितने भी आपको हिल स्टेशन हैं जहां पे स्पेसिफिकली लोग स्नो देखने के लिए आते हैं वहां पे इसलिए क्योंकि वहां पे द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज फॉलिंग देयर इज स्नो ड्यू टू uh, वहां के ऑफकोर्स क्लाइमेटिक रीजन के कारण भी लैटिट्यूड के कारण एल्टीट्यूड के कारण वो सारी चीज उसमें आ जाती है नेक्स्ट इज स्लीट तो ये थोड़े से जो है ना जहां से स्नो वाले गिरने वाले एरिया में उसके नीचे वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर स्नो वाला सीजन से जस्ट पहले देखने के लिए मिलेगा राइट स्लीट ओके एंड हेल ये तो आपको आई एम होपिंग एंड आई एम गेसिंग की ज्यादातर लोगों ने यह एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कि जब इसमें इसमें से बारिश के साथ कभी कभी ओले जब गिरते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं हिलस्टो राइट उसके बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक एरिया में किस तरह का प्रेशर कंडीशन बना हुआ है अब वो अलग अलग इसमें अलग अलग होता है जैसे जहां पे गर्मी ज्यादा है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा जहां पे ठंडक ज्यादा है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा विंड बेसिकली मूविंग मासेस ऑफ एयर तो ये जितना भी इधर से उधर मूव करता है हवा और उसके कारण जो है आपको अलग अलग क्या देखने के लिए मिलेगा क्लाइमेट के डिफरेंसिएशन देखने के लिए मिलेगा इसमें स्पेसिफिकली कुछ जो है वो पूरे के पूरे अर्थ पे चलते हैं राइट तो दीज आर प्लानिटरी इवेंट्स प्लानिटरी इवेंट्स आपको याद है ये जरा देखिए तो इसमें आपको जो है प्लैनेटरी विंड अगेन सेम चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब ट्रॉपिकल लो ये क्यों आपको सेम चीज देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि विंड्स आर क्वाइट अबिट गेटिंग अफेक्टेड विथ वॉट प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर इसके कारण ही ये जो है ना ये मूवमेंट जो है चालू जो है चल पाता है कैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गया फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ये जो पूरा मूवमेंट है ये इसी कारण से चल पाता है इसीलिए आपको विंड्स का और प्रेशर बेल्ट का सिस्टम बहुत ही सिमिलर देखने के लिए मिलता है राइट नेक्स्ट ह्यूमिडिटी ऑफकोर्स किसी भी एयर में कितना वाटर रिटेंशन हो पाया है ये तो आई थिंक नो इश्यूज विद दैट वाटर इवेपोरेशन जिस जगह पे ज्यादा गर्मी होगी वहां ज्यादा पानी इवेपोरेट होके जा पाएगा एंड लास्टली क्लाउड कवर जगह अलग अलग जगहों पे ड्यू टू ओरोग्राफिक रीजन्स ड्यू टू अदर रीजन्स आपको अलग अलग तरह के क्लाउड्स मिलते हैं ठीक है दिस कंप्लीट बेसिकली क्या कि क्लाइमेट वाले चीजों में आपको क्या क्या देखने को मिलता है इसमें एक चीज जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था दैट इज वॉट कोरियोलिस इफेक्ट इस पर्टिकुलर चीज में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ है इसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी फ्लूड जो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी तो वो किस साइड जाएगी राइट right जाती है और में वही सेम चीज़ लेफ्ट जाती है इसको याद रखिए नॉर्दर्न एमस्फेयर में राइट right की तरफ और सेम चीज साउथ में लेफ्ट की तरफ नेक्स्ट okay? आए थे अब हम लोग इंडियन क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट तो सबसे पहले चीज हमारा लैटीट्यूड एक्सटेंट कितना एट डिग्रीज फोर मिनट से लेकर के थर्टी सेवन डिग्रीज सिक्स मिनट ठीक है एल्टीट्यूड कितना जीरो मीटर से एट थाउजेंड प्लस मीटर्स तक आपको एल्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा रिलीफ तो हिमालय प्लेन्स प्लेटूज सब आपको मिल जाते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या आपने देखा कि मुंबई पुणे चेन्नई कोलकाता का जो क्लाइमेट है इट रिमेंस क्वाइट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर बट शिमला दिल्ली आपको जैसलमेर यहां पे आपको मेजर डिफरेंशिएशन मिलता है जस्ट बिकॉज़ व्हाई बिकॉज़ दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द सी ओके हिमालयस अपने आप में क्योंकि दे बिकम अ बैरियर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वाटर सो ड्रेनेज का बैरियर एंड विंड जो

नेक्स्ट इज व्हाट वी सो वाज आईटीसीज आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा किस लिए क्योंकि ये ना बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन था जिस समय कब की बात है साउथ वेस्ट मॉनसून तो जून के आसपास इसमें क्या हो रहा है अर्थ का जो टिल्ट है वो समर के टाइम में इस साइड में कहीं पे होता है 23 1/2 डिग्री तो यहां पे कहीं पे आपको जो है टिल्ट है है ना समर है इसमें क्या हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आई सीजन जो है वो कहां पे? तो ये तिब्बत वाले रीजन को क्रॉस करता हुआ जाता है इसके कारण जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे क्या होगा आपको ज्यादा जो है लो प्रेशर बनेगा तो दोनों तरफ से जो कन्वर्जेंस हो रहा है ट्रेड विंड का वो यहां पे हो रहा है ठीक है इससे सारे मॉनसून विंड्स खींचे चले आएंगे आपको बारिश हो जाएगी सेम वही चीज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम में क्या होता है कि ये जो आई टी सीजन है वो नीचे आ जाएगा अब साउदर्न एमिसफेयर में गर्मी हो रही है तो जहां गर्मी होगी वहां पे लो प्रेशर बना वो नीचे की तरफ आया इधर की सारी हवाएं इधर की खींच ली इससे मॉनसून का जो है एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मॉनसून का आपको साइकिल बन जाता है ठीक है उसके बाद देखिए लास्टली ये देख रहे हैं ये जो टिपिटन प्लेटू का हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझा था एल नीनो एल नीनो के केस में क्या था एल नीनो के केस में बहुत सिंपल सी चीज है जब नॉर्मल ईयर होगा तो ऑस्ट्रेलिया के जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न टिप पे आपको क्या मिलता है गर्म वाटर मिलता है गर्म पानी दूसरी तरफ जब एल नीनो ईयर आएगा तो आपको साउदर्न टिप पे साउथ अमेरिका के आपको नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे आपको गर्म पानी मिलता है जनरली यहाँ पे, पे पेरू करंट है पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट तो यहां पे आपको ठंडक होनी चाहिए बट यहां एल नीनो यस में आपको क्या मिलेगा गर्म पानी मिलता है और इसके कारण मॉनसून पे इफेक्ट होता है ठीक है नाउ दिस हम लोगों ने समझा था कि किस डेट के आसपास कब जो है हमारे पास मॉनसून इंडिया में एंटर करता है है ना किस डेट के आसपास कब इंडिया में मॉनसून एंटर करता है इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये एडवांसिंग मॉनसून की बात थी दिस वॉज रिस्पेक्ट टू एडवांसिंग जैसे ही एडवांसिंग मॉनसून की बात होगी क्या होगा कि हवाएं जो है साउथ ईस्ट से या साउथ वेस्ट से किससे आएगी ये वाले पार्ट को इस वाले रीजन को हम लोग किस कौन सा रीजन कहते हैं जरा देखिए तो आई विल मार्केट अगेन फॉर यू तो ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट यहां से लेते हैं तो साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ये कौन सा रीजन हुआ तो दिस इज साउथ वेस्ट मानसून है ना इधर से आ रहा है यहां से हवाएं आएंगी इसीलिए ये साउथ वेस्ट मानसून ठीक है कब फर्स्ट जो आएगा जून से लेकर के पंद्रह जुलाई जो कि आपको राजस्थान का एरिया हुआ रिट्रीट कब करेगा सबसे पहले अगेन यहीं से से शुरू होगा। 1st से, आपको कब? ऑलमोस्ट जो, जो है आपका राम सेतु पार्क स्ट्रीट है ना उसको टच करता हुआ निकलता है राइट दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मॉनसून ठीक है अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पे दैट इज रेनफॉल इसमें हम लोगों ने देखा था मॉनसून के आने का डेट राइट एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून मॉनसून जो है ऑफकोर्स ये तो आपको बहुत आराम से पता है कि अमोंग द ऑल द थिंग्स दैट इज अ यूनिफाइंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स मिल जाते हैं मॉनसून एक ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे इंडिया को यूनिफाई कर कैसे कि इस पोर्शन को देखिए एक बार जब ये शुरू होगा तो कहते नहीं है कि बारिश की बौछार सब पे पड़ेगी ऑलमोस्ट नो एरिया ऑफ द इंडियन लैंडमास और द इंडियन कंट्री इज लेफ्ट अनटच्ड बाय मॉनसून एक ही ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे आपको इस लैंडमास को हमारे प्यारे भारत को टच करते हुए एकदम जाएगी सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मानसून आर वन ऑफ द मोस्ट यूनिफाइंग फैक्टर्स ऑफ द इंडियन क्लाइमेट राइट हर रीजन में टच होगी तो इससे ना एक कॉमन कल्चर निकल के आता है विथ रिस्पेक्ट टू मॉनसून एंड एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है विथ रिस्पेक्ट टू वॉट कि भाई जैसे आपको ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में हर तरह के कल्चर में देर इज समेस्टिवल देर इज समरेर आर सम स्टोरीज एसोसिएटेड विथ कमिंग एंड गोइंग ऑफ मॉनसून आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो इट रियली मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम आई एम हंड्रेड परसेंट सर्टन टू हंड्रेड परसेंट सर्टन आपने ये तो सुना होगा या फिर अगर गलती से बाई चांस अगर नहीं आज तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप अपने घर में जाकर के अपने घर के लोगों से बात करिएगा और आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें मिल जाएंगी चाहे वो स्टोरीज के फॉर्म में हो कहानियों का, के गानों के फॉर्म में हो फेस्टिवल्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ मॉनसून से रिलेटेड आपको हर रीजन में देखने के लिए मिलता ही है ना इसी का अगर हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा तो व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू रेनफॉल इन इंडिया है ना लेट्स इसको शुरू करते हैं आई होप ये जो आपका जो एक पूरा का पूरा आपको एक ओवरव्यू दिया गया है यू फाइंड इट क्लैरिफाइंग आई होप कि जितनी भी चीजें आपको अगर पता थी तो वो इससे आपके लिए क्लियर हो जाए और आपको दिक्कत ना हो ठीक है ओके okay. अब हम लोग क्या करते हैं मी सी बात बताइए जैसे हम लोग ये कर रहे थे इस वाले पोर्शन को देख रहे थे तो इसी में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लोकल स्टॉन्स या लोकल वेदर्स है ना स्पेसिफिकली यहां पे आप देखिएगा okay, यहीं पे देखते हैं सो आर सम लोकल विंड्स राइट। लोकल विंड्स के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कुछ आइडिया वॉट आर द लोकल किसको लोकल विंड कहा जाता है जैसे गर्मी जब होती है तो खूब क्या होता है हम लोग कहते हैं ना किसी किसी रीजन में वॉट डू यू फाइंड कि देर आर वॉट देर आर कहा जाता है कि इतनी चल रही है यहां पे गर्मी कि लू हो रहा है यहां पे लू चल रहा है एक्सक्यूज मी अब आपने नाम जरूर सुना होगा कहीं पे इसी चीज को क्या कहते हैं लू कहे है जब वहां पे गर्मी का वो होता है एक अलग अलग जगहों पे आपको इसका नाम मिलेगा काल बैसाखी फिर कहीं पे आपको इसी को कहा जाता है ब्लॉसम शावर जैसे ये कहां पे ब्लॉस इसको ऐसे दिखते हैं ये देखिए है। लू ठीक है ब्लॉसम फिर काल साखी राइट उसके बाद मैंगो शावर राइट लू ब्लॉसम शावर्स काल बैसाखी मैंगो शावर ये सब जो है जैसे आपने एक टर्म सुना होगा चिनूक सुना है क्या चिनुक किसी को आइडिया है कोई सुना है इस चीज को हमारे पास इंडियन आर्मी में एक हेलीकॉप्टर होता है चिनूक है कि नहीं तो ये किसको कहा जाता है किस चीज के नाम पे उस हेलीकॉप्टर का नाम पड़ा हुआ है यू नो you know? चिनूक तो आई एम होपिंग काफी सारे लोगों ने उसका सुना होगा बट ये पर्टिकुलर जो है ये किस चीज के नाम पे इसका नाम पड़ा है क्या आइडिया है आपको तो बेसिकली दीज आर विंड्स इन नॉर्थ अमेरिका किस तरह के विंड्स हैं कि दीज आर जो है आपको uh, मतलब कनाडा आपको uh, जो है नॉर्दर्न यूएस वाले पार्ट में इस तरह के वार्म एंड वेस्टर्ली विंड्स होते थे वार्म एंड वेस्टर्ली विंड्स एंड विंड आर वेरी फास्ट विंड्स ठीक है इसी तरह जैसे आपको जर्मनी uh, के पास में फॉन मिलता है फॉन विंड्स जैसे कौन सा फॉन विंड्स चिनूक चिनूक फोन ये सब भी लोकल दीज आर आल्सो लोकल ठीक है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स तो अगर ये नॉर्थ अमेरिका है यहां पे रॉकी है तो यहां से आपको चिनूक चलता हुआ मिलेगा लू आपको जनरली क्या होता है समर में है ना ब्लॉसम शावर मैंगो शावर ये सब जो है आपको कहां पे मिलता है नो you know? किस जगह पे आपको ब्लॉसम और मैंगो शावर देखने के लिए मिलेगा तो जैसे मैंगो शावर जो है ये आपको केरला और कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है इनको मैंगो शावर क्यों कहा जाता है क्योंकि दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ द मैंगो सिंपल सा बात है ब्लॉसम शावर तो अगेन ये केरला में फ्लावर्स के ब्लॉसम करने में उनको मदद करता है इसलिए इसका नाम है ब्लॉसम शावर इसी तरीके से नॉर्थर्स नॉर्वेस्टर्स राइट नॉर्थेस्टर्स ये क्या है कि बंगाल और आसाम में ये चलने वाली हवाएं इसी का जो है आ, अगर कहिएगा लोकल नाम हुआ काल बैसाखी एंड काल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज सीन एज ए वेरी नेगेटिव वो लोकल विंड राइट तो ये आपको कुछ है ऑफ कोर्स लू जो है कहां से कहां तक तो पंजाब से बिहार तक तो क्योंकि ये पूरा इंडो प्लेन वाला एरिया हुआ इसमें आपको पूरा ये देखने के लिए मिलता है ठीक है ओके okay. अब हम लोग आ जाते हैं इस पे रेनफॉल्स पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टिल मोस्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर मेजॉरिटी पर्स पोर्शन ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून ओके तो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इससे आपको याद रहेगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ द इंडियन लैंडमास किस तरीके से आपको वहां पे बारिश देखने के लिए मिलेगी उस बारिश के कारण वहां पे आपको कैसा सॉइल देखने के लिए मिलता है कैसे नैचुरल वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा और उससे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें कनेक्ट हो रही हैं रेनफॉल से सॉइल सॉइल से नेचुरल वेजिटेशन एंड वेजिटेशन से आपको क्या ऑर्गेनिजम राइट right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे कड़ी को समझना दिस होल चेन ऑफ इवेंट्स आपको ये समझना जरूरी है कि इस जगह पे जब हम लोग देखते हैं तो दिस वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रेनफॉल हेयर और ये बहुत सारे लोगों को इसीलिए ये चीज नहीं समझ में आती है अच्छे से बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कनेक्शन के कारण आपको अगर कहीं पे कम बारिश होती है तभी वहां पे आपको एरिड सॉइल मिल सकता है चौबीसों घंटे बारह महीने बारिश होती रही तो वहां पे आपको मिल ही नहीं सकता है एरिड सॉइल कोई चांस ही नहीं माउंटेंस पे जिस तरह की बारिश होती है उससे वहां का जो है फिर आ, आप एरिया जो है इफेक्ट होता है राइट right? अब हम लोग आते हैं कि देर आर डिफरेंट कैटेगरीज किस किस जगह पे किस किस तरह का बारिश होगा ये हम लोग सेंटीमीटर्स में नापते हैं ठीक है अब फोर हंड्रेड सेंटीमीटर्स सिंपल सा चीज है कहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में बारिश होती इसके दो रीजन है इंपॉर्टेंट वाले में से ऐसे तो लक्षद्वीप और अंडमान भी है बट अगर इंडियन लैंडमार्क पे देखा जाए मेन लैंड पे देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स क्यों क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून उधर से ही आ रही है वहीं पे वेस्टर्न घाट है उन्होंने क्या किया उसको वहीं पे रोक करके सारी बारिश यहीं पे हो गई इस साइड 400 और दूसरा यहाँ पे हिमालय के जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो आपको याद ही रहेगा है ना इस वाले रीज, रीजन में क्या हो रहा है अगेन खूब सारी बारिश हो रही है इसमें आपको दो स्पेसिफिकली मिलेंगे Above 400 and 200 to 400 centimeters. कौन कौन से रीजन है वेस्टर्न घाट के पास वाले रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट इसमें फोर हंड्रेड से ऊपर ये वाला आसाम और अरुणाचल वाले पोर्शन में एंड यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे थोड़ा सा भूटान के नीचे दार्जिलिंग वाला एरिया ठीक है यहाँ पे फोर हंड्रेड सेंटीमीटर्स एंड अब बारिश हो आपको देखने के लिए मिलती है ठीक है दूसरा नेक्स्ट फेज इस हंड्रेड टू टू हंड्रेड ठीक है तो वो आपको ये पूरा पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है अब इसी में आपको बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ठीक है ये सारे पार्ट आ रहे हैं फिर इस साइड में ये चेन्नई वाले कोस्ट के साइड आ रहे हैं राइट देन ऊपर में जो वेस्टर्न घाट्स के थोड़ा सा ऊपर ये जो सूरत वाला एरिया है वहां पे भी और अगेन यहां पे आपको जम्मू एंड कश्मीर से होता हुआ हिमाचल उत्तराखंड और इधर में नॉर्दर्न यूपी वाला पुश तो ये जो है अगर आप देखने के आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज कवर्ड अ वेरी इज कवरिंग अ वेरी ह्यूज एरिया ऑफ आवर द इंडियन सब राइट और ये हम लोग ये इंडियन कंट्री सही ये हम लोग एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है कई एक बार आपको देखने सुनने के लिए मिलता है कि भाई जितनी पूरे साल भर में बारिश होती है उतना यहाँ पे एक बार में हो गया तो ये इस कारण से आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उसका जो एक कहते ना कि वेदर और क्लाइमेट वाला जो डिफ्रेंसिएशन था वही वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहां पर जनरली स्पीकिंग सिर्फ एग्जाम्पल टू हंड्रेड सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर डे के वेदर इवेंट के कारण हो सकता है कही पे हो कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया हो कहीं पे कोई एक जो है ना साइक्लोन आ गया सिर्फ एग्जाम्पल उसके कारण क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डे में सिर्फ एग्जाम्पल मुंबई में एक दिन में ही इतनी बारिश हो गई एक हजार मिलीमीटर बारिश हो गई है ना क्या हुआ कि होना चाहिए था एक्स जो भी उस जगह के उस टाइम के हिसाब से और उससे कहीं ज्यादा हो गई यही वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस आता है तो हंड्रेड टू टू अब सिक्सटी टू हंड्रेड 6200 के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है 6200 के केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरा तमिलनाडु फिर इस साइड में आपको ये आंध्र प्रदेश थोड़ा सा जो है इस सर में महाराष्ट्र नॉर्दर्न कर्नाटका राइट उसके बाद ऊपर में गुजरात गुजरात होते हुए फिर इधर में राजस्थान मध्य प्रदेश ये सब होता हुआ फिर यूपी का इस साइड दिल्ली वगैरह वाला रीजन और ये ऊपर तक आपको पंजाब वगैरह तक जा रहा है ठीक है दिस इज ऑल्सो कवरिंग जानकारी के लिए आपको जानना है मेजर चीज क्या है कि आपके दिमाग में ना एक ये पिक्चर होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बारिश कहां हो रही है तो लक्षद्वीप और अंडमान में उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन उसके बाद कम बारिश कहां पे उससे कम बारिश तो वो होगा आपको पूरा ये बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल वाला इस साइड का ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन उससे कम फिर आएगा आपको जो ये तमिलनाडु से होता हुआ कौन सा ये पर्टिकुलर पोर्शन गुजरात महाराष्ट्र वाला पोर्शन दिल्ली से होते हुए ऊपर तक राइट और उससे जब नीचे की बात आना शुरू होगा तो वो आपको जनरली थार राजस्थान और ये थोड़ा सा ये गुजरात और एमपी वाले गुजरात एमपी गुजरात राजस्थान एमपी और ऊपर में हरियाणा पंजाब वाला रीजन में देखने के लिए मिलेगा कितना तो 0 20, ये तो ये हो गया, यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है वेरी ड्राई लैंड लद्दाख इज अ वेरी ड्राई एरिड एरिया है ना और फोर्टी टू सिक्सटी ये वाला पोर्शन ठीक है एक जनरल जानकारी के लिए ये ध्यान रखना है इसके अलावा ये देखिए एक पोर्शन है जो कि आपको यहाँ पे बीच में अचानक से एक रेन शेडो मिल रहा है रेन रेन क्यों है डू रिमेंबर के बारे में हम लोगों ने बात की थी तो रेन शेडो इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ना आपको ये जो पूरा का पूरा एरिया था इस साइड में वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया था वेस्टर्न घाट्स के जस्ट पीछे में आप देखिएगा जैसे अगर कहीं पे आपको अः कोई पहाड़ दिखता है अगर इतना बड़ा पहाड़ है कि उसने जो है इधर के मानसून विंड्स को या कहीं के भी विंड को रोक लिया उसमें सारी बारिश एक साइड हो गई तो उसके पीछे वाला साइड सूखा रह जाता है चिराग तले अंधेरा तो ये चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि बिकॉज यहां पे इतनी ज्यादा बारिश होती है इस साइड में तो उस, उसके दूसरे साइड में बारिश पहुंच ही नहीं पाती

अब यही सेम चीज आप देख लेते हैं कि सीजनल रेनफॉल में ऑफकोर्स द रीजन विल बी सिमिलर बस आपको ये देख लेना है क्योंकि किस जगह पे आपको जून से लेकर सितंबर वाला जो मेन आपका पोर्शन है कौन सा रेनफॉल का उसमें आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है ठीक है तो उसमें वेस्टर्न घाट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ज्यादा है फिर थोड़ा सा कम हुआ तो इसके ऊपर वाले पोर्शन में एंड वैसे ही कम होता होता आपको एक वो फ्लो देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट इज टेम्परेचर टेम्परेचर में बहुत सिंपल सी चीज उसको समझिएगा जो भी ये लाइन दिख रहा है ठीक है इस लाइन को क्या कहते हैं आइसोथर्म आइसोथर्म तो इस लाइन पे जो भी आपको जो है एरियाज आएंगे उनका सेम टेम्परेचर इस तरह के मैप को देखने का यही सबसे आसान तरीका है इसमें हम लोग दो तरह के देखे हैं जनवरी ठंड का टाइम और जुलाई समर का टाइम कौन सा यहां पे सीजन है समर एंड विंटर राइट इसमें विंटर के टाइम में आप ये देखते हैं कि दिस पर्टिकुलर लाइन जो कि अरुणाचल से शुरू होकर भूटान नेपाल होता हुआ जम्मू एंड कश्मीर में खत्म हो रहा है इसमें क्या है कि दिस इज द टेन डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म आइसोथर्म का मतलब क्या कि द लाइन डिनोटिंग प्लेसेस दैट आर हैविंग सिमिलर टेम्परेचर राइट आइसोथर्म थर्म मतलब टेम्परेचर राइट तो ये आपको आइसोथर्म ऑफ टेन डिग्रीज हुआ उसके बाद फिफ्टीन डिग्रीज उसके बाद ट्वेंटी डिग्री और ये जनवरी की बात हो रही है तो आप ये देखिए कि एक ऑलमोस्ट जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ जाने वाला एक आपको आइसोथर्म मिल गया जो कि जिसके नीचे आपको जनवरी में भी 20 डिग्री से कम टेम्परेचर बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलेगा ये जनरल बात है कहीं पे हो सकता है कि जनरली स्पीकिंग आइसोथर्म तो, जो है ये ऑलमोस्ट आपको डिमार्केट कर देता है कि इस पर्टिकुलर टाइप एरिया से नीचे आपको क्या होगा ट्वेंटी डिग्री से कम का आपको टेम्परेचर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है ठीक है इवन इन जनवरी जो कि हमारा विंटर मंथ है अभी हम लोग जो बात कर रहे थे देखिए जो ए, कई एक जगहों के लिए जो ये देखिए यहाँ पे 25 डिग्री का आइसोथर्म 25 डिग्री का आइसोथर्म ये हमारे लिए विंटर्स का टेम्परेचर हुआ यही सेम चीज ब्रिटेन में क्या होगा हीट वेव हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बेसिक आपको जानकारी के लिए है कि दीज आर आइसोथर्म्स जनवरी में आपको हाइयर रीचेज में टेन डिग्रीज और उससे कम के टेम्परेचर मिलते हैं फिफ्टीन मिलता है जनरली राजस्थान वाले से लेकर के और ये यूपी तक में उसके बाद ट्वेंटी होता है जनरली पूरा गुजरात से लेकर के आपको कौन सा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बंगाल ये वाले पूरे पोर्शन उसके बाद नेक्स्ट इज ट्वेंटी फाइव जो कि इस वाला पोर्शन है आपको तमिलनाडु केरला वाला कर्नाटका वाले पोर्शन में एंड ये आपको एक जनवरी का टीचर हो गया जुलाई में सबसे ऊपर में तो इवन जम्मू एंड कश्मीर में आपको 20 डिग्री सेल्सियस मिलता है एंड पे आपको जुलाई में 30 डिग्री तक आपको देखने के लिए मिल जाता है तो दिस इज द बेसिक डिफ्रेंसिएशन ऑफ कि किस तरीके से आपके अलग अलग रीज़न्स में अलग अलग आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है राइट right? इसमें स्पेसिफिकली क्या याद रखना है कि आइसोथर्म मींस कि उस लाइन पे आने वाले जितने भी जगह हैं उस जगह पे आपको क्या मिल रहा है आपको सिमिलर टेम्परेचर मिल रहा है राइट right? और जुलाई में आपको इस तरीके से देखने के लिए इसका जो है डिफ्रेंसिएशन मिलेगा और वही सेम चीज जनवरी में आपको इस तरीके से आपको डिफ्रेंसिएशन मिलता है राइट right? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर विंड्स को और उसके कारण क्या हो रहा है ठीक है जैसे आइसोथर्म था किस चीज को लेकर के टेम्परेचर को लेकर के है ना कि किस जगह पे आपको कितना टेम्परेचर मिलता है उसी तरह आइसो बार्स जो होता है ये आपको दिखाता है कि ये एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है किसी रीजन में और इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है बस ऐसे बहुत सिंपल सा चीज समझना है कि इन जनवरी मतलब ठंडा प्रदेश ठंडे के टाइम में हमारे यहाँ पे क्या होगा हाई प्रेशर तो ये वाला पोर्शन जो है आपको हाई प्रेशर बनाना है और उसके कारण अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रेशर बनेगा बस आपको ये समझना है कि जनरली स्पीकिंग आपको क्या है जनवरी के टाइम में इंडिया में हाई प्रेशर क्रिएट होगा क्यों क्योंकि ठंडा प्रदेश वहां पे जो है हवा क्या हो रही है ज्यादा जो है नीचे रह रही है वहां पे ज्यादा आपको हाई प्रेशर मिलता है इसमें जो जनरल पुश है वो इस तरीके का डायरेक्शन में है। आपको बस आईसो बार से याद रखना है कि इट डिनोट्स उस पर्टिकुलर लाइन पे जो है कितना एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको देखने के लिए मिलता है अब ये जब जो टर्म है ना जैसे उसमें था कि भाई जैसे दस डिग्री डिग्री ट्वेंटी डिग्री तो, इसी तरह इसमें है ये सब इसके डिनोटिंग फैक्टर्स हैं इतना आपको इंडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है हाँ जनरली स्पीकिंग आपको क्या डायरेक्शन मिल रहा है जनरली स्पीकिंग आपको ये डायरेक्शन देखने के लिए मिल रहा है आपको ऑफकोर्स ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तिब्बत के यहाँ पे क्या हुआ था इससे समर मंथ्स में यहाँ पे आपको आ, क्या देखने के लिए मिला था समर मंथ्स में कि लो प्रेशर बनता है आई टी सी जेड यहां से होकर के गुजर रहा था तो यहाँ पे सारी हवाएं इधर की तरफ जा रही थी अब जनवरी में एक्जैक्टली exactly उल्टा हो रहा है और क्या हो रहा है कि सारी हवाएं नीचे की तरफ जा रही है ठीक है एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी किस तरीके से कि देखिए किस जगह पे कितना वेरिएशन आता है इस पर्टिकुलर एरिया में आपको पूरे के पूरे साल में कितना वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है और कहां पे सबसे कम होगा जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही होगी या सबसे कांस्टेंट बारिश होगी तो इस पर्टिकुलर रीजन में लेस देन फिफ्टीन परसेंट इस पर्टिकुलर रीजन में लेस देन फिफ्टीन परसेंट देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑल ईयर राउंड एक कॉन्स्टेंट बारिश आपको देखने के लिए मिल रही है ठीक है इन जगहों पे आपको फिर 30 टू 60 परसेंट ठीक है और उसके बाद 15 परसेंट से 30 परसेंट ये जो है आपको रीजन हुआ ऑफकोर्स तो हमारे यहाँ पे तो मानसून के कारण जिन जगहों पे नॉर्मल अगर मानसून हो तो रेनफॉल की वेरिएबिलिटी आपको कम ही देखने के लिए मिलती है कुछ रीजन है जैसे एक्सट्रीम में हमारा थार वाला रीजन हुआ जहां पर आपको मोर देन ट का वेरिएशन देखने को मिलता है उसके बाद जो उससे थोड़ा सा एरिड जोन हुआ जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये सब होता हुआ या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी एक रीजन होता हुआ यहाँ पे थोड़ा और वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है जस्ट आपको बस एक जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि जहां पे भी कांस्टेंट आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा कांस्टेंट रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा उस केस में आपको क्या मिलता है ये मिलेगा कि आपको ज्यादा जो है बारिश वहां पे उसके वेरिएशन कम होंगे और जहां पे ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है वहां पे वेरिएशन ज्यादा होते हैं ठीक है अब इसमें बस एक जानकारी के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं एरिया विद द लोएस्ट टेम्परेचर एरिया विद द लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया इज द्रास इन लद्दाख कितना जाता है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस जो है अब आप समझिए कि इट्स ऑलमोस्ट पोलर टेम्परेचर एंड कहा आपको मिल रहा है तो खुद आपके अपने ही जो है ना रीजन में जो कि थर्टी सेवन थर्टी फाइव डिग्री के लैटिट्यूड पे तो जो टेम्परेचर आपको 70, 80 डिग्री लैटिट्यूड पे देखने के लिए मिलता है वो आपको 35 पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड एंड बिकॉज ऑफ द रिलीफ ऑफ मालियस राइट तो एरिया विद द लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया इज द्रास इन लद्दाख एंड कितना मिलता है माइनस फोर्टी द्रास बस आपको याद रखना फिर एरिया विद द हाइएस्ट टेम्परेचर ये है चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान यहाँ पे आपको 50 डिग्री टच होता हुआ मिलेगा राजस्थान तो आपको याद रहेगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस पर्टिकुलर स्टेट में भी आपको चूरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का यहाँ पे 50 डिग्री आपको टच होता हुआ मिलेगा ये हो गया टेंपरेचर वाइज अब हम लोग देखते हैं एरिया विद द हाइएस्ट रेनफॉल विच इज दरिया विद द हाइएस्ट रेनफॉल तो ये है ऑफकोर्स मेघालय वाला जो आपको रीजन है चेरापुंजी एंड मोसिन राम कहाँ पे होता है दीज आर इन द खासी हिल्स तो गारो खासी जयंतिया है ना गारो खासी जयंतिया ये तीन हिल्स हैं और ये क्या हिमालय के पार्ट है नहीं दीज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक और उसमें जो है मेघालय प्लेटू के ये तीन हिल्स हैं उसमें से खासी में आपको चेरापुंजी एंड मोसिन्राम मिलेगा जहां पे थाउजेंड एटी सेंटीमीटर्स की बारिश होती है on an average, right? 1000 हम लोग जब अभी देख रहे थे तो ये वाले पोर्शन में हमने देखा था कि मोर देन फोर हंड्रेड था राइट right? और उसको हम लोग सबसे ज्यादा में काउंट किए थे वहां सोचिए उससे भी दो ढाई गुना ज्यादा हो रही है बारिश तो इस पर्टिकुलर केस में खासी हिल्स में चेरापुंजी एंड मोसिमा अब वहीं पे लोएस्ट ये था हाईएस्ट दिस इज हाइएस्ट इन नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड इट से अब लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया यह है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान ठीक है विच इज नाइन सेंटीमीटर्स जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान विच इज नाइन सेंटीमीटर्स अब देख रहे हैं किस तरह का आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है द काइंड ऑफ वेरिएशन दैट यू फाइंड इन इंडिया इज एप्सोल्यूटली माइंड बॉगली कहीं पे भी आपको इस तरह का वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा ही नहीं एक ही इतने रीजन में आपको सब कुछ ही देखने के लिए मिल गया सबसे ज्यादा सबसे लोएस्ट रेनफॉल सबसे हाईएस्ट रेनफॉल इतने ही पोर्शन में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है ठीक है और कई एक चीजें तो मतलब लाइक से माइनस फोर्टी फाइव इज एज क्लोज एज क्लोज एज टू कि भाई दुनिया में इससे कम बहुत कम जगह होंगी हाइएस्ट में जाइए फिफ्टी इज वेरी क्लोज टू द मैक्सिमम दैट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट मैक्सिम ऑफ प्लेज रेनफॉल में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ है और का और लोएस्ट रेनफॉल हाँ इससे भी ज्यादातर और भी ड्राई प्लेसेस हैं वर्ल्ड में बट इट इज ऑल्सो द ड्राइस्ट प्लेसेस क्योंकि नाइन सेंटीमीटर इज वेरी लेस लाइक कोई बताने की जरूरत नहीं है हाउ स्मॉल इट इज क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना एनुअल बात हो रही है एनुअल बारिश की बात हो रही है ठीक है ओके okay. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि द डिफरेंट द डिफरेंट मंथ्स ऑफ द कैलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन एंड फॉरेन या फिर जिसको कहिएगा यूरोपियन कैलेंडर्स है ना ऑल गुड सबको आप लोग को अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरह का इशू तो नहीं ओके ऑल राइट अब हम लोग देखते हैं क्या कि कौन कौन से जगहों को आप किस किस महीने से देखते हैं। पहला चीज है वसंत वसंत ऋतु है ना कहा जाता है वसंत ऋतु किस किस इंडियन मंथ से जुड़ा हुआ है यह चैत्र और वैशाख मंथ आपके लिए ये कौन सा मंथ होता है जनरली इंडियन कैलेंडर में चैत्र और वैशाख ये आपका मार्च और अप्रैल वाला मंथ हुआ मार्च अप्रैल इज रिलेटेड टू चैत्र एंड इज वसंत ऋतु ठीक है उसके बाद मई एंड जून मे एंड जून ये है ज्येष्ठ और आषाढ़ किस ऋतु से रिलेटेड है किस सीजन से तो ग्रीष्म सीजन ग्रीष्म ऋतु गर्मी का महीना तो वो हुआ कौन सा ज्येष्ठ और आषाढ़ मंथ और ये मई और जून से रिलेट करता है देन जुलाई एंड अगस्त कोर्स ये वर्षा है ना बारिश और ये कौन कौन सा होगा सावन और भादो श्रावण और भद्र तो श्रावण एंड भद्र का जो मंथ हुआ इंडियन कैलेंडर में वो रिलेट करता है जुलाई और अगस्त के साथ ठीक है नेक्स्ट इज सेप्टेंबर एंड अक्टूबर ये होता है अश्विन और कार्तिक आश्विन और कार्तिक ये हुआ श्राद्ध श्राद्ध के मंथ श्राद्ध के महीने इसमें आप जो है ना अपने पितृपक्षों को आ, पूर्वजों को एंसेस्टर्स को याद करते हैं उनके आत्मे की शांति के लिए लोग जो है व्रत वगैरह रखते हैं पूजा करते हैं तो ये श्राद्ध का मंथ हुआ आश्विन और कार्तिक ये सितंबर और अक्टूबर का मंत्र देन नवंबर और दिसंबर तो ये हुआ इसमें मार्गशिरा मार्ग शीरसा मार्ग, एंड पॉस या पूस जिसको आप कहते हैं ना तो मार्ग शीर्षा एंड हेमंत का हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु कौन सा नवंबर एंड दिसंबर कौन सा मार्ग शीर्षा एंड और और जनवरी फेब्रुवरी मार्ग एंड फागुन ये शिशिर ठीक है ये आपके यहाँ के इंडियन नेम्स हैं सीजन के विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन ये इंग्लिश कैलेंडर एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कैलेंडर और जो यहाँ पे जनरली हमारे यहाँ के जो बहुत लंबे टाइम से जो चला आ रहा है हमारे नॉमिन के uh, जो है टर्मोलॉजी उसके केस में ठीक है कौन सा है मार्च एंड अप्रैल चैत्र एंड वैशाख वसंत ऋतु मे एंड जून ज्येष्ठ एंड आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु जुलाई एंड अगस्त श्रावण एंड भाद्रो भादो या भाद्र विच इज वर्ष वर्षा ऋतु सेप्टेंबर और अक्टूबर आश्विन एंड कार्तिक श्राद्ध ऋतु इसी को श्राद्ध के ही इसमें शारदा भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पे है ना शारदा शरद ऋतु ठीक है तो ये हमसे बोलने में दिक्कत हुआ था ऑफकोर्स होता उस टाइम है श्राद के टाइम में बट ये हम हमारा ट्रांसिशन कब होता इट इज शरद ऋतु तो शरद ऋतु हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु ठीक है माघ एंड फागुन जनवरी एंड फेब्रवरी नवंबर एंड दिसंबर मार्ग शीर्षा एंड ठीक है ये एक बेसिक जानकारी के लिए है बस आपको पता होना चाहिए कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए हम लोगों ने इसको देख लिया है ठीक है नेक्स्ट इज अब हम लोग देखते हैं इसको कहा जाता है कॉपन स्कीम कॉपन स्कीम इज बेसिकली कि किस एरिया में कौन सा तरह का आपको रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है ठीक है इसमें ये देखिए ट्रॉपिकल है तो अगर इंडिया के केस में देखिएगा ना तो आपको कुछ कुछ यहां पे देखने के लिए मिलेगा पहले तो एक बार वर्ल्ड को देख लीजिए ठीक जनरली स्पीकिंग ये ब्लू से डिनोटेड है इस जगह आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है इस जगह पे आपको रेन फॉरेस्ट मिल रहा है और मॉनसून मिल रहा है ठीक है फिर उसके बाद ऊपर में सवाना ये वाले जो ग्रासलैंड्स है है ना उसके बाद फिर एरिड रीजन रेड से है ठीक है एरिड रीजन फिर यहां पे आपको रेड यहां पे रेड इस साइड में ये सब आपको एरिड रीजनस में आ रहा है है कि नहीं उसी में हॉट डेजर्ट्स भी हैं कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं फिर देन टेम्परेट ये ज्यादातर जो ये ग्रीन वाले पोर्शन हुए ये सब आपको टेम्परट एरियाज हुआ ऑफकोर्स यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और यहाँ से ट्रॉपिक ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जा रहा है तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पोर्शन तो टेम्परेट है ही इसीलिए ये वाला पोर्शन आपको टेम्परेट में जाता है फिर कोल्ड एंड पोलर ये जो पोर्शन हुआ ये हो गया पोलर और उसी के ऊपर में जो हुआ ये वाला पोर्शन दिस इज द कोल्डर रीजन ऑफ द अर्थ इसके बाद जो है ये जो वाटर वाला पोर्शन हुआ ये वाटर में हम लोग गिनते हैं इसमें ऑफकोर्स कोल्ड एंड हॉट ये हम लोगों ने ओशन करेंट्स में देखा हुआ है 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 ठीक ये एक बेसिक ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट बस आपको इतना समझ लेना है क्या कि अलग अलग रीजन में एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एक पर्टिकुलर तरह का टेम्परेचर और उसके हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है इसी में क्या क्या है ग्रुपिंग्स ट्रॉपिकल ड्राई वार्म वार्मेम्परे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट्स एंड हाईलैंड ठीक है इसी में इंडिया के केस में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको पोलर क्लाइमेट मिलता है ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड पोलर क्लाइमेट ठीक है उसके बाद ये जो आपका पूरा का पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया हुआ यहाँ पे आपको मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता फिर एकदम जो थार डेजर्ट वाला एरिया हुआ वहां पे हॉट डेजर्ट और उसके जस्ट आगे वाला पोर्शन में स्टेपी ग्रासलैंड्स मिलता है आपको ठीक है स्टेपी ग्रासलैंड्स, यही सेम जो आपको चीज यहां पे भी आपको देखने के लिए मिल रही है ठीक है नेक्स्ट इज मॉनसून विथ ड्राई सीजन इन समर मॉनसून विथ ड्राई सीजन है ना ये आपको ये वाले पोर्शन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के पोर्शन में मिलता है फिर ट्रॉपिकल सवाना ये ग्रासलैंड्स वाला पोर्शन हुआ जो इस साइड में है बेसिक आपको क्या जानकारी रहना है पोलर टाइप ऊपर में मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर ठीक है वो कौन सा रीजन है इंडो गैंगेटिक प्लेन का इस साइड में मॉनसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन ये वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स वाले ए, सीजन में और इसके बाद स्टेपी क्लाइमेट वो आपको डेजर्ट के थोड़ा सा कम एरिड वाले पोर्शन में आपको स्टेपीज मिलते हैं बेसिकली इतना ही है इसमें बहुत सारे जो है ना आपको फिर डिफ्रेंसियेशन है बट उतना आपके लिए जरूरत नहीं है तो आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ओके okay, एक जनरली आपको ऐसे देख के काफी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका पोलर वाला रीजन था दिस वॉज मच मोर मॉनसून टाइप एंड दिस जो देख रहे हैं ये जो डार्क ब्लू वाला आपको यहाँ पोर्शन दिख रहा है This was much more क्या है ये इस साइड देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा मॉनसून मॉनसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन ओके okay? ओके okay. इसी को हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया के क्लेस में देखा है कि क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉपेंस स्कीम कॉपेंस स्कीम हमारे यहाँ पे मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन कहां मिलता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है ना गोवा के नीचे वाले पोर्शन मॉनसून विथ ड्राई समर ये कहा मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट ये वाला पोर्शन मॉनसून विथ ड्राई समर दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट मालाबार कोस्ट किसको कहते हैं इस वाले पोर्सन है ना कोरोमंडल मालाबार ठीक है नेक्स्ट सवाना सवाना ग्रासलैंड ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड टाइप के कहां पे आपको मिलेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा पेनिसुलर प्लेटू साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला पोर्शन ट्रॉपिकल सवाना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले पोर्शन में ज्यादातर में आपको ट्रॉपिकल सवाना आपको मिलता है उसके बाद सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट सेमी एरिड क्योंकि देखा था आपने डेजर्ट के बाद वाला पोर्शन स्टेपी मतलब अगेन ये जो है आपको ग्रासलैंड वाले मिलेंगे कहां पे नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात वे, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब ठीक है हॉट डेजर्ट हॉट डेजर्ट डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल रहा है ये राजस्थान में एकदम वेस्टर्न राजस्थान में ठीक है मानसून विद ड्राई विंटर ये गंगा प्लेन ईस्टर्न राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर में आपको ऊपर वाले पोर्शन में ये वाला जो है मॉनसून विथ ड्राई विंटर है ना और इस साइड में भी ये ध्यान रखना है बिकॉज इस साइड में भी सिमिलर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट कोल्ड ह्यूमिड विंटर ठीक है ये अरुणाचल प्रदेश में एंड पोलर टाइप ये आपको जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड लद्दाख वगैरह में ये आपको देखने के लिए मिलेगा ओके ऑल गुड अब ये इससे ज्यादा आपको यहां पे जानने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विथ एंड फुली ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल वॉट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ राइट नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ सॉइल ये सारा अब हम लोग इसके बात करते हैं ठीक है गिव मी अ फ्यू मिनट्स ओके एंड तब तक आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आई बिन आल्सो स्पीकिंग कंटिन्यूअसली एंड वी विल जस्ट स्टार्ट विथ इट एंड देन कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन जस्ट गिव मी ओके तो कंप्लीटेड विथ द क्लाइमेटिक पार्ट ऑफ द क्लास राइट इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब हम लोगों ने कवर कर ली राइट मॉनसून रेनफॉल रिलीफ अलग अलग जगहों से जो लैटिट्यूड के कारण जो इफेक्ट होता है राइट right? इसमें हम लोगों ने सब देख लिया अब हम लोग क्या करेंगे वी विल गो इन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स एंड दैट इज सॉइल अभी आप देखिएगा कि जो कुछ भी आपने रेनफॉल को रिलेटेड पढ़ा है ना वही सेम चीज अब आपको सॉइल में डायरेक्ट इसका इंफ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा कैसे लेत् पहला चीज क्या है जस्ट वेट अ मिनट ओके okay. अब इसमें जो है सॉइल से रिलेटेड पहला चीज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वॉट आर द थिंग्स दैट मेक अप सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको देखने के लिए मिलता है इसमें क्या है कि जो कुछ भी जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू मेकिंग अप ऑफ द सॉइल इसमें फिर क्लाइमेट, रॉक्स अलग rocks, अलग रॉक्स अलग अलग तरह के सॉइल को बनाते हैं जैसे वेन यू सी से फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक तो वहां पर जिस तरह का आपको सॉइल देखने के लिए मिला और दूसरी जगह मेटामॉर्फिक रॉक ये नाम आपको पता है आई होप इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट और इट्स नॉट वेरी जो है ना प्रॉब्लमैटिक आपको जो है अलग अलग नाम बस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से इग्नियस मेटामॉर्फिकास्टली सेडिमेंट्री इग्नियस में क्या था जो आपको लावा निकल के आ रहा है वो इग्नियस रॉक था मेटामोर्फिक जो प्रेशर और टाइम के कारण जो है ना चेंज हो जाता है तो ये जो रॉक्स हैं इनका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है राइट right? वो हुआ आपको मेटामॉरफिक और सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स जो है आकर के जमा हुए और उनसे जो रॉक बना वो हुआ सेडिमेंट्री आई होप इतना तो आई एम गेसिंग आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा टोपोग्राफी टेरेन्स के कारण है ना प्लेटूज प्लेन्स आपको कोस्टल एरियाज और हिली एरिया इन सब के कारण जो आपको मिलता है Then, अभी हम लोगों ने देखा ना कैसे टाइम के कारण लिटरली वहां पे रॉक्स बन जाते हैं तो टाइम एंड ऑफ कोर्स हमारे रिएक्शंस ठीक है दीज़ आर द कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू व्हाट सोइल्स है ना अब इसमें अलग-अलग तरह के सोइल्स मिलते हैं जैसे अगर विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी देखिए तो रेन वाटर तो सब पे गिरा बट इसमें जो Hills के साइड्स में जो आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको पुअर सॉइल माना जाता है बिकॉज दे हैव स्टीप स्लो वेरी लिटिल फिल्ट्रेशन, है ना एंड वॉटर इरोड्स द टॉप सॉइल ठीक है वॉटर इरोड्स द टॉप सॉइल नेक्स्ट दूसरे के, के इसमें आपको क्या मिल रहा है दीज आर एवरेज सॉइल्स यहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो है ना आपको फुटहिल्स वाला एरिया आता है जिसमें इट इज अ मच मोर जेंटलर स्लोप सम फिल्ट्रेशन एंड लेस इरोजन ऑफ टॉप सॉइल पुअर सॉइल के केस में क्या है स्टीपर स्लोप लेस वेरी लिटिल फिल्ट्रेशन एंड पानी के कारण ऊपर का टॉप सॉइल ही खत्म हो जाता है यहां पे एवरेज सॉइल जेंटल स्लोप है ना एंड सम फिल्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जो है पानी नीचे थोड़ा सा जा रहा है एंड लेस इरोजन है टॉप सॉइल ग्रेट सॉइल ये क्या हुआ फ्लैट लैंड इंडो प्लेन को याद करिए फ्लैट लैंड ग्रेट फिल्ट्रेशन खूब सारा पानी एब्जॉर्ब होकर नीचे जा रहा है एंड यहां पे जो है सारा इधर से जो इरोड होकर के आया ना ये सारे यहाँ डिपॉजिट हो जाते है तो दिस इज अ बेसिक जो है अगर आप समझिए कि कैसे जो है सॉइल अलग अलग जगहों पे क्या क्या किस तरह का पाया जाएगा अच्छा इसमें दीज आर दॉइल बहुत सिंपल है एक बार में आपको अभी हम याद करवा हैं पहला चीज जहां पे आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा राइट दिस इज ऑर्गेनिक लेयर देन उसके जस्ट नीचे कोई भी चीज उगेगा कहां पे सरफेस पे तो सरफेस वाला लेयर उसके नीचे आता है सब सॉइल ऑर्गेनिक में तो आपको सबको समझ में आ रहा है घास पत्ते पेड़ ये सब आ जाता है सरफेस वाले में आपको ऑर्गेनिक मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर है ना ऑर्गेनिक मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर इज द सरफेस सॉइल क्योंकि वहीं पे आपको जो है अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं और वहीं पे ऑर्गेनिक्स भी मिल रहा है दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के सरफेस सॉइल बना Then, में मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले मिलता है राइट सैंड सिल्ट और क्ले ये किस में आएगा आपको में, ठीक है? उसके बाद इसके नीचे आता है सब स्ट्रैटम बेसिकली पेरेंट रॉक है ना और बेड रॉक, ठीक है इसमें जो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक हुआ वही जो है बेड रॉक हुआ इसी का जो है वेदर्ड पोर्शन जो है वो आपको क्या होता है सबस्ट्रेटम तो ऐसे समझिए हमारे साथ इसको एक बार याद करिए तो नीचे से हम लोग करते हैं सबसे पुराना जो पेरेंट रॉक हुआ जो कि अनवेदर्ड है अभी तक उस पर वेदरिंग शुरू नहीं हुई है वेदरिंग पता है ना जिसपे जो है ना नेचर के उसके कारण जैसे हो सकता है उसमें बारिश के कारण गर्मी के कारण इसमें जो एक नेचुरल जो प्रोसेस है उसके वियरेंटीयर का उसी को वेदरिंग कहा जाता है राइट तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है कौन सा बेडरॉक वहां पर अनवेदर्ड रॉक उसके ऊपर उसके वाले पोर्शन को क्या कहे बेडरॉक उसके ऊपर सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम में क्या हुआ वेदर्ड रॉक ठीक है उसके ऊपर सब सॉइल यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले मिला उसके ऊपर आपको सर्फेस सॉइल यहां पे ऑर्गेनिक मिक्स विथ मिनरल मैटर और ऊपर में ऑर्गेनिक वाला लेयर जो कि क्या है ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे पाया जाता है इसमें किस तरह का आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा तो 45 परसेंट आपको मिनरल्स मिलता है 45 परसेंट यू फाइंड देर आर मिनरल्स उसके अलावा एयर एंड वाटर चलिए वाटर आपको समझ में आता है है ना और पांच परसेंट ऑर्गेनिक मैटर भी है ये एयर कैसे सैंड ये मिट्टी के नीचे आपको एयर कैसे मिल रहा है Any idea? आपको ये इसलिए मिलता है एयर यहाँ पे बिकॉज दो होता है। आप मिट्टी को ही उठाइएगा ना तो बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही रहती है वहां पर भी उसके बीच बीच में छोटा छोटा गैप होता है एंड ऑफकोर्स इट्स वेरी स्मॉल ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है बट इट इज सब्सटैंशियल इनफ कि आप इसको जो है कितना मानते हैं इट इज क्लोज टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सॉइल फोर्टी फाइव परसेंट मिनरल ट्वेंटी ऑर्गेनिक मैटर ओके अब इसी को ये थोड़ा सा क्लोजर है है ना इसमें हम लोग क्या देखते हैं वही जो आपने अभी लेयर्स को पढ़ा ना उसी को बस इसमें समझते हैं कि यहां से बारिश हुई है ना ये बारिश हुआ तो रेन एंटर्स ग्राउंड उसके बाद प्लांट पत्ते गिरे घास टूट करके है ना ये सब जो है तो पत्ते वुडन ये सब जो है क्या हुआ यहाँ पे आकर के गिरे इससे क्या हुआ यहाँ पे ना जो डीकम्पोजर्स हैं वर्म्स हैं वो इनको खाना शुरू किए तो वर्म्स जो है इसको खाना शुरू किए उसके बाद वर्म्स के खाने के बाद उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है माइक्रोब्स एंड फंगी तो देखे होंगे कि जहां पे भी ना जो एकदम्पोजिंग बॉडी होती है तो पहले उसमें ये जो कीड़े मकौड़े उसको खाते हैं उसके बाद उसमें जो है ना आपको फंगाई व्हाइट व्हाइट आपको देखने के लिए मिलता है तो बारिश हुआ उसके बाद क्या हो रहा है प्लांट डेबरी आपको एक्यूमलेट हो रहा है कहीं पे उस जगह पे पहले उसको वर्म्स डीकम्पोजर्स खाना शुरू करते हैं और उसके बाद फंगाई आते हैं तो माइक्रोब्स एंड फंगई उसके नेक्स्ट रीजन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है रूट्स जो है जो है प्लांट्स के वो मिनरल्स को फिर एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं इसी में आपको आता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन ये सब जो है ठीक है तो ये रूट्स जो है वो आपको मिनरल्स uh, को एब्सॉर्ब करना शुरू करते हैं वेदर करना शुरू करते हैं इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पानी है ना ये डाउनवर्ड पर्कुलेटिंग वाटर ट्रांसपोर्ट्स आयंस एंड क्ले बेसिकली क्या ये जोन ऑफ लीचिंग कहा जाता है जोन ऑफ लीचिंग कि नीचे जो पानी है ना वो अपने साथ ऊपर के मिनरल्स को आयंस को क्ले को लेकर ले के खींचती हुई लेके आती है बारिश हुआ प्लांट का जो है टूटा हुआ पोर्शन था वो नीचे गिरा एक जगह एक्युमलेट होता गया जमीन पे उसके बाद उसको डीकंपोजर्स ने खाना शुरू किया पहले कीड़ों-मकरों ने फिर फंगाई लगा फंगई के बाद क्या हो रहा है कि रूट्स वाले एरिया में आपको मिनरल्स का देखने के लिए मिलता है उसके बाद नेक्स्ट इज कि बारिश के पानी के साथ जो है आपको आयंस और क्ले नीचे आपको जाते हुए दिखते हैं उसको जोन ऑफ लीचिंग कहा जाता है ऑफ कोर्स क्योंकि जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे क्या होता है मिनरल्स घट जाते हैं है ना और लास्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है जोन ऑफ अक्यूमुलेशन बेसिकली क्या कि ये जो आयंस और क्ले पानी बारिश की बूंदों के इसके साथ जो है ना नीचे आए हैं वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं इसमें आप लोगों ने बेसिक ये देख ही लिया था ये जो है ऑर्गेनिक वाला स्टेट है उसके बाद टॉप सॉइल फिर ट्रांजिशन हो रहा है फिर सब सॉइल फिर वेदर्ड बेड रॉक जिसको हम लोगों ने सबस्ट्रेटम कहा था एंड सॉलिड बेड वेड्रॉक अनवेदर्ड रॉक है ना इसमें अलग अलग इसके डेजिग्नेशन है ऑर्गेनिक को ओ है ना सिंपल उसके बाद ए ई ई किसको कहते हैं ट्रांजिशन वाले फेस को ठीक है ए हुआ टॉप सॉइल बी हुआ सब सॉइल एंड सी हुआ आपको सबस्ट्रेटम एंड बेडरॉक ठीक है नेक्स्ट सॉइल के टाइप आपके लिए जो तीन मेजर इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं क्ले सिल्ट एंड सैंड ठीक है इसी को आप यहां देखते हैं सिल्ट क्ले सैंड ये तीन जो है मेजर आपके सॉइल के टाइप्स हुए अब इसी में अलग अलग जो है आपको उसके साइज के हिसाब से आपको डिफ्रेंसिएशन इतना आपको याद नहीं रखना है बस आपको जानकारी क्या रहनी है कि देखिए जैसे क्ले का साइज कितना होगा इट्स वेरी स्मॉल उसके बाद सिल्ट उससे थोड़ा बड़ा फिर सैंड उससे थोड़ा और बड़ा होते जाता है 4.75 पॉइंट mm तक जा रहा है उसके बाद फिर ग्रेबल्स ग्रेवल्स आते हैं है ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे पत्थर फिर कॉबल्स एंड फिर बोल्डर्स है ना तो ये बोल्डर्स जो है सबसे बड़े फॉर्म ऑफ सॉइल ही है कहां से शुरू हो रहा है क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल कॉबल बोल्डर ठीक है इसी का अलग अलग जो है फॉर्म है कि जैसे जैसे सैंड का कंटेंट बढ़ेगा आपको सैंडी सॉइल मिलता जाता है शुरू होता है यहां से है ना तो ये सिल्ट से आपको धीरे धीरे सिल्ट लोमी फिर लोमी सॉइल सैंडी लोमी लोमी सैंड एंड सैंड फिर यहीं से फिर आपको जितना जितना क्ले का बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको क्ले ज्यादा दिखने के लिए मिलेगा फिर जितना आपको सिल्ट दिखेगा फिर ऐसे मिलता बेसिकली सॉइल के तीन टाइप्स हैं सैंड सिल्ट एंड क्ले और उसके ऊपर जो है आपको क्या मिलता है ग्रेवल्स कॉबल्स एंड बोल्डर्स राइट दैट्स ऑल दैट यू नीड टू टू रिमेंबर रिस्पेक्ट द डिफरेंट सॉइल टाइप्स इंडिया में कितने तरह के सॉइल पाए जाते हैं मेजरली मेजर सॉइल टाइप्स ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कौन -कौन से हैं तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था रेनफॉल वाला देखा था क्या अभी हम लोगों ने रेनफॉल का अलग अलग जो है वो देखा था ना उसी को आपको इसके साथ रिलेट करना होगा ठीक है अभी जो हम लोगों ने अलग अलग रेनफॉल के एरियाज देखे थे ना आप उसके साथ इसको बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं जैसे सबसे ज्यादा बारिश किस जगह पे आपको देखने के लिए मिली थी सबसे ज्यादा बारिश आपको किस जगह पे देखने के लिए मिला था यू रिमेंबर जरा देखिए तो तो वो आपको था इस पर्टिकुलर रीजन में और इस पर्टिकुलर रीजन राइट यहीं पे आपको कौन सा मिलेगा एक तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो आपको माउंटेनियस रीजन ये आपका ये आपका माउंटेनियस वाला रीजन था इसका सीधा सीधा नाम है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉरी ठीक है नेक्स्ट वॉज इंडो गैंगटिक प्लेन्स इंडो गैंगटिक प्लेन्स यहां पे भी यहां पे भी अगेन ये वाला पुरुष यहां पे आपको अल्लूवियल सॉइल मिलता है बिकॉज अल्लूवियल कौन से थे याद है खादर भांगर ये सब जो हम लोग पहाड़ों से तोड़ करके जो है ना रिवर अपने साथ लेकर के आती है। और क्या कर रही है यहाँ पे डिपॉजिट कर रही तो ये कौन से वाले रीजन हुआ आपको अल्लूवियल सॉइल का रीजन उसके बाद आपको ना बारिश के केस में आपको देखने के लिए मिला था कि इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे था कितना टू तो से हंड्रेड uh, से टू हंड्रेड सेंटीमीटर आपको बारिश देखने के मिल रहा था राइट ये देखिए तो जरा हम लोग देखें पीछे जा करके हाँ, इस वाले रीजन को जरा हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं देखिए तो कितना बारिश इसमें हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में कितना हो रहा है ये वाला पोर्शन इसमें आ रहा है हंड्रेड से टू हंड्रेड ठीक है यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है यहीं पे आपको कौन सा सॉइल देखने के लिए मिल रहा है अलूवियल और इसके बाद इस वाले में आपको ये पूरा कौन सा है रेड एंड येलो सॉइल देन इस वाले पोर्शन में जो रेनशाइडो एरिया प्लस एरिड रीजन यहां पे आपको ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल का एक और कारण है इस एरिया को ना डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं का जो पूरा का पूरा मतलब ही यही है कि यहाँ पे कभी किसी टाइम में काफी जो है अः लावा वहां पे आकर के क्या हुई थी ट्रैप हो गई थी उस लावा में का जो जो निकला उससे जो सॉइल निकला उसी को आज हम लोग ब्लैक सॉइल से जानते हैं तो ये जो डेक्कन ट्रैप्स वाले जो एरिया है ना इसमें आपको स्पेसिफिकली आपको क्या मिलता है ब्लैक सॉइल मिलता है Because, यहाँ पे बारिश भी थोड़ा कम होता है बिकॉज ये जो वेस्टर्न हार्ट है इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है आपको एक मतलब इस रीजन और इस रीजन के रिलेटिविटी में आपको कम बारिश भी मिलती है ठीक है ठीक देन देर इज लैटेराइट सॉइल ये इसको आपको पॉकेट्स में ही देखने के लिए मिलता है कहीं कहीं पे है ना एंड देन फाइनली एरिड सॉइल जो कि आपको डेजर्ट वाले रीजन में मिलता है ये एक बेसिक जानकारी था अभी से हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे ठीक है अब हम लोग देखते हैं ये जो है आपको कौन सा है पोर्शन अगर आपको देख ये गैस कर पा रहे हैं ये कौन सा सॉइल होगा ये आपको अलूवियल में आता है इसमें एक और चीज है इसमें ना रीजन वाइज आपको ना विजुअलाइज करना पड़ेगा ठीक है जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन में आपको याद रखना पड़ेगा कि ओके दिस पर्टिकुलर जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल के ऊपर वाले रीजन यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन ऑल मिलता है फिर दूसरा अल्लूवियल आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ओके जनरली स्पीकिंग ये इंडो गैंगटिक प्लेन की बात हो रही है ठीक है उसमें भी जो उसका मेजर पोर्शन है क्योंकि यहाँ पे भी प्लेन एरियाज हैं बट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में ही अलूवियल सॉइल मिलेगा ब्लैक सॉइल अगेन डेक्न ट्रैप्स वाले रीजन में जनरली है एरिड सॉइल जनरली डेजर्ट वाले लैंड में आपको मिलता है ठीक है सॉइल का ये जो पूरा का पूरा इतना हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना इसको इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा हम बताते हैं उससे पहले एक बार आप ही सोचने की कोशिश करिए कि सॉइल का क्या है क्यों इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है अच्छा, सॉइल को कैसे हम डिफाइन करें एनी आइडिया पहला चीज है कि सॉइल इज द लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस ऑफ द अर्थ सॉइल इज द लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड ग्लेशियर्स एटसेट्रा ठीक है तो सॉइल इज द लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स लाइक रॉक्स बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड वाटर ग्लेशियर्स एटसेट्राइ इसी में एक ये जो हम लोग का ऑर्गेनिक वाला मैटर वाला पार्ट था इसी में आपको आता है क्या हमस 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 किसको कहेंगे द ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मड बाई डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हमस ठीक है बहुत टाइम लगता है मिलियंस ऑफ इयर्स में ये बन करके आपको पूरा हो पाता है ठीक है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स है ना Forms the basis of growth of crops. Then next is it supports animal life, plant and animal life, so supports crops and forests, supports all animal life right? from decomposers to टाइगर्स एंड लायंस ठीक है देन नेक्स्ट इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूम बेसिस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ठीक है ना? इसमें ये सब जो हॉराइजन्स वाला जो पार्ट है ये हम लोग uh, देख चुके हैं जो इसके बाद वाला हरेक uh, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है ना इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बिकॉज अभी अगर हम लोग शुरू करते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट इट राइट और हमारा टाइम भी इसमें खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसके जो हम लोग शुरू करेंगे किससे अलूवियल सॉइल से देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन लाइक फॉरेस्ट सॉइल डेजर्ट सॉइल लेटरेट सॉइल ब्लैक सॉइल आपको रेड सॉइल ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं ठीक है इसके साथ ही हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को भी देख लेंगे तो इसके साथ ही वी विल ऑल्सो कंप्लीट द नेचुरल वेजिटेशन पार्ट ऑफ द टॉपिक क्योंकि सॉइल से ही रिलेट करेगा डायरेक्टली रिलेट करेगा क्या नेचुरल वेजिटेशन ठीक है रेनफॉल सॉइल नेचुरल वेजिटेशन एंड देन ऑर्गेनिज्म ये चारों बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक्स हैं हम लोग इसको समझने का भी कोशिश एक साथ ही करेंगे राइट चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप कि आपको जो है अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आया होगा हम लोगों ने कोशिश ये जरूर की है कि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस हैं उसको जितना आसान तरीके से आपको समझाया जा सके विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डायग्राम वगैरह के साथ भी बट ऐसे भी कि आपको कन्वे ऐसा हो कि एक बार में याद हो जाए आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग और एबल टू अंडरस्टैंड इट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच